अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो रिश्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो खातून हैं इनका नाम है ज़रीना बीबी। तो ज़रीना बीबी जो है हमारी बहन, इनकी जो उम्र है इस वक्त वो 42 साल है, यानी कि 42 ईयर जो है इनकी एज है, 42 ईयर्स एज है, और ये एक तलाक़ याफ्ता खातून हैं। ज़ीना जो है इनकी 3 साल पहले तलाक हुई थी। मुसलमान है, फिरका इनका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये मलिक अवान बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है। तो ज़रीना जो है पढ़ी लिखी हैं, इनकी तालीम जो है इन्होंने BSc यानी कि ग्रेजुएशन जो है इनकी कंप्लीट है। तो इसके अलावा जो है इनकी जो है एक बेटी है और वो इनकी साथ ही रहती है। तो शौहर से अलहदगी के बाद जो है ये अपने ज़ाती घर में रहती हैं, जो कि लाहौर सिटी में जो है इनका घर है। तो ज़रीना जो है ये एक जॉब भी करती हैं, जो कि बैंक में जॉब करती हैं ये, तो जिससे जो है ये तकरीबन मंथली जो है 55 से 60 हज़ार रुपया जो है मंथली ये वहाँ से तनख्वाह लेती हैं, जिससे जो है इनका ठीक ठाक अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। अपना ज़ाती घर है, अपनी बेटी के साथ रहती हैं। लेकिन इनके जो वालिद साहब हैं मोहम्मद असगर साहब, वो ये चाहते हैं कि ये जो है अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें ताकि वो अपने घर की हो जाए। तो इसी से लिए जो है पहले तो जो है ज़रीना बीबी जो है शादी नहीं करना चाहती थी, नहीं मान रही थी, लेकिन अपने वालदैन के जो है इसरार करने पर ये शादी के लिए मान गई हैं। तो शादी के लिए जो है किसी ऐसे रिश्ते की जो है इनको तलाश है कि लड़का जो हो उसकी उम्र 50 साल तक हो या इससे कम हो, यानी कि इससे ज़्यादा ना हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो। इसके अलावा जो है मुसलमान हो, जात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो। तो वो जो है अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इनकी जो है एक बेटी भी है और वो इनके साथ ही रहती है। तो वही जो है मर्द हजरात जो है रब्ता करें जो इनके साथ जो है रह सकें लाहौर सिटी में। तो पूरे पाकिस्तान से जो है अपील है, अगर कोई भी जो है अच्छा जो है इंसान जो है अगर इनसे शादी करना चाहे तो वो हमसे जो है रब्ता कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, और हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।